मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा जारी है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत सबसे पहले पोखरण पहुंचे, जहां पर सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद सीएम गहलोत सभा स्थल पर पहुंचे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद आप जिस काम के लिए कहोगे उसे हम पूरा कर देंगे। हमने अकाल के समय कभी भी चारे की कमी नहीं आने दी है। यदि मुझे राजस्थान की जनता के लिए भीख भी मांगनी पड़े तो इसमें भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और जब तक मैं हूं मैं किसी को भी भूखा नहीं सोने दूंगा। लोकसभा चुनाव का दंगल बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने पोखरण में जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में भाजपा सरकार पर भी जमकर बरसे। कहा भाजपा बस झूठे वादे करती है और साथ ही कहा कि आचार संहिता के बाद आप जिस भी काम के लिए हमें कहेंगे हम उसे जरूर पूरा करेंगे। और साथ ही कहा कि हमने अकाल के समय कभी भी चारे की कमी नहीं आने दी है और साथ ही कहा यदि मुझे राजस्थान की जनता के लिए भीख भी मांगनी पड़ जाए तो इसमें भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और साथ ही कहा जब तक मैं हूं मैं किसी को भी भूखा नहीं सोने दूंगा। ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।